सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है आचार्य जी। हाँ जी जी बिल्कुल राहुल, तो आप एक बार जो है उपाय जो आपको आचार्य जी ने बताए हैं वो ज़रूर करें, और उसके बाद आपके जो भी समस्या है उसका समाधान ज़रूर होगा। आचार्य जी, यहाँ पर आपने बात की षडाष्टक दोष की, षडाष्टक दोष जो है वो क्या होता है? षडाष्टक दोष होता है कुंडली का, जैसे छठा हाउस और अष्टम हाउस, बारहवां हाउस, ये काफ़ी ख़राब हाउसेज माने गए हैं। षडाष्टक होता है 6-8 का संबंध। जब ग्रह 6-8-6-8 अपने से 6 और 8 6-8 की युतियों में हो, कि कोई ग्रह जैसे फर्स्ट हाउस में बैठा है और दूसरा ग्रह छठे हाउस में बैठा है, तो लगन से वो छठा हो गया और छठे से अष्टम हो गया। इस तरह से 6-8-6-8 हर भाव में बनता है। 6-8 के दोष को हम कहते हैं षडाष्टक दोष। ये सबसे खराब दोष होता है कुंडली में। षडाष्टक दोष के अंदर आदमी कभी भी एकदम स्टेबल नहीं रह सकता, उसको ऊपर नीचे लाइव ग्राफ प्लस माइनस चलता ही रहेगा। षडाष्टक दोष में सभी दोषों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दोष मानता हूँ। हाँ, षडाष्टक दोष हर कुंडली में मिलेगा, ऐसी कोई भी कुंडली नहीं है जिसमें षडाष्टक दोष ना हो, लेकिन मैं पर्सनली 4 या 5 ग्रहों का षडाष्टक हो तो उसको इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन जहाँ 6, 7, 8, 9 ग्रह सम्मिलित हो जाए षडाष्टक के अंदर, तो इट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट टू गेट रिड ऑफ दिस दोष। जी, तो षडाष्टक दोष जो होता है वो किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है? मैंने जैसे बताया आपको, ये ऊपर नीचे, छठा हाउस होता है कॉम्पिटिशन, 8th हाउस होता है गड्ढा, 6 और 8 6 और 8 का संबंध। आदमी को हर समय अपने आप को प्रूफ करने के लिए स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा, और जितनी वो स्ट्रगल करेगा उसको लाइफ में उतनी ही प्रॉब्लम्स भी बार बार फेस करनी पड़ेंगी ड्यू टू अष्टम का संबंध होने से। अष्टम हाउस मैंने बताया गड्ढा, वो काम करेगा, मेहनत करेगा, लेकिन उसको फल नहीं मिलेगा, लगेगा गड्ढे में गिर गया। तो ये 6 और 8 का जो संबंध है ये सबसे ज़्यादा ख़राब है कुंडली में। चाहे कुंडली में कितने अच्छे धनयोग हैं, राजयोग हैं, कितने अच्छे योग हों, इनके अंदर से जाके आदमी को दिक्कत आ जाती है। जी बिल्कुल आचार्य जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ उपाय उसके लिए कर सकते हैं कि जो उसका प्रभाव है वो हमारे जीवन में कम। षडाष्टक दोष शांति होती है, इसके अंदर 11 दिन की ये शांति चलती है। जी, डिपेंडिंग ऑन हॉरोस्कोप किसके कितने ग्रह हैं, 6 है 7 है 8 है, उस हिसाब से पंडित अपॉइंट होते हैं कि आपको लेट से 7 ग्रहों का षडाष्टक है तो 7 पंडित बैठेंगे। जी, 11 दिन का अनुष्ठान चलेगा, प्लस शिव जी के रुद्राभिषेक भी चलेंगे, नमक चमक रुद्रा रुद्री अभिषेक पार्थव शिवलिंग से, ये प्रॉपर एक अनुष्ठान होता है, बड़ा अनुष्ठान है। जी, इसके बाद मैं ये चीज़ ज़रूर क्लियर करूँगा, कोई भी दोष खत्म नहीं होता कुंडली में, उसको आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए थोड़ा सा प्रभाव उसका कम हो जाएगा 40-50%, बट ऐसा नहीं है कोई भी दोष आपकी कुंडली से चला जाएगा, वो कुंडली में हमेशा दिखेगा। जी, बस उसका प्रभाव जो है प्रभाव कम हो जाएगा। हाँ जी, जी।